नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। और श्रेष्ठ भारत पर एक बार फिर से वो वाक्या हम आपको दिखाना चाहते हैं जो खरखोदा में भी हुआ था। खरखोदा में लेडी डॉक्टर आशा सहरावत और उनकी सहयोगी रही राजेश कुमारी जो स्टाफ नर्स थी, उनकी गुंडागर्दी खुलकर सामने आई थी। एक बार फिर से सोनीपत के सिविल अस्पताल में वो गुंडागर्दी देखने को मिली है। हमारे साथ वो लड़का है जिसके साथ ही एक घटना घटित हुई है। उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी दूसरों की बात ना मानते हुए हम खुद दीपक से मिलने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं कि क्या हुआ था और इस बात की असल वजह क्या है। ये जो मारपीट हुई, थप्पड़ मारा गया, इसकी असल वजह क्या है, दीपक से ही जान लेते हैं। दीपक, क्या हुआ था? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं दीपक क्लास 4, यहाँ 2 महीने पहले हम खरखोदा धरने पर बैठे थे। तो धरने बैठे बैठे थे तो इन्होंने मेरी डेपुटेशन करवा दी थी यहाँ सोनीपत, CMO से ऑर्डर निकलवा के। तो इन ऑर्डर निकलने के बाद मैं यहाँ सोनीपत आके ज्वाइन कर लिया था। उसके कुछ टाइम बाद ये बदली करवा के यहाँ सोनीपत आ गए। लगातार तभी से मेरे को ये मतलब परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रही थी मेरे को, मतलब डराया धमकारा जा रहा था, हरासमेंट कर रही थी ये। कल इन्होंने मतलब सरेआम मैं अपने ड्यूटी पे था, मेरी ड्यूटी पे कार्य में बाधा डालते हुए इन्होंने ये दोनों मेरे रूम में, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया और मेरे को कमरे से बाहर निकलने के लिए बोला। मैंने तब इनके सामने अपना पक्ष रखा, मैंने अपनी बात पूछी कि मैडम अगर कोई बात है तो बात बताओ मेरे को। तो इन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात बोली कि दीपक, या तो तू कमरे से बाहर आ जा वरना तेरे को घसीट के कमरे से बाहर निकाल लेंगे। मैं बाहर नहीं आया, मेरे को डर लग रहा था भाई लेडीज़ है, बाई चांस मतलब मेरे साथ कुछ भी ये गलत हरकत कर सकती हैं। तो इनके कई बार बोलने के बाद मतलब मैं डरते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया अपने बचाव के लिए। तो मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मैंने अपना फ़ोन में वीडियो चालू की, मैंने इनसे पूछा कि मैडम बताओ क्या बात है। तो ये बात बोलते इन्होंने लगातार मेरे ऊपर थप्पड़ बरसाए और मेरे को जान से मारने तक की धमकी दी और मेरी नौकरी खाने की बात कर रही हैं। अब ये बोल रही हैं तेरे को जहाँ तक भागना वहाँ तक भाग ले, तू हमारे ऊपर प्रशासन का ऊपर हाथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सर मेरे को तो ये डर लग रहा कहीं ये मेरी नौकरी ना खा जाए। कल इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है, हॉस्पिटल में जो कैमरे लग रहे हैं वहाँ उसमें भी मतलब इनकी CCTV फुटेज वायरल हुई है। मैंने मीडिया को भी ये वीडियो दी है और सदर सेक्टर 27 वाले जो थाने में मैंने अपनी FIR दर्ज करवाई, वहाँ भी मैंने अपनी ये कैमरे की फुटेज दी, वहाँ पे जमा करवा दी है। दीपक नाम के 4th क्लास कर्मचारी की बातें आपने सुनी और इन बातों से ये साफ हो गया कि गुंडागर्दी एक बार फिर से शुरू हो गई है। CCTV फुटेज इसका बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि फुटेज को ना आप झुठला सकते हैं और ना ही कोई देखने वाला। अब देखना इसमें ये होगा कि सरकार किसका पक्ष लेती है और क्या इस पर निचोड़ निकल पाता है। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।